टीवी में मैं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करती है। खबर सासाराम से सामने आई है, जहां रोहतास पुलिस ने 10 दिन पूर्व हुए 70 वर्षीय राजगृह बिंद की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। नगर थाने के अट खंबवा इलाके में हुई इस हत्याकांड में मृतक की भतीजा ही मास्टरमाइंड निकला है, जिसने जमीन के झगड़े में महज 90,000 रूपये की सुपारी देकर अपने चाचा की हत्या करवा दी। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश के बाद भतीजा रमाशंकर कुमार को गिरफ्तार किया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला अपने चाचा से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश में गोलू कुमार और रोहित कुमार नामक दो अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। एसपी आशीष भारती ने बताया कि सोवे अवस्था में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन पुलिस ने इसे बड़ी ही बारीकी से छानबीन कर इसे सुलझाया है। बता दें 20 अक्टूबर की रात नगर थाना क्षेत्र में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्या मामला है? 20 अक्टूबर को इसी महीने के 20 तारीख को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा राजगिरी बिंद उर्फ राजेंद्र प्रसाद, जो कि दलेलगंज अटखंबा के रहने वाले थे, उनकी हत्या रात्रि में गोली मार करके कर दी गई थी। और जिस संबंध में सासाराम टाउन थाना कांड संख्या 835/20 दर्ज किया गया था। इस मामले में जो अपराधियों की शिनाख्त तथा गिरफ्तारी के लिए SDPO सासाराम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार इसमें छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। तो विशेष टीम के द्वारा इसमें जो मृतक है, अनुसंधान में पाया गया कि मृतक के जो भतीजा है उससे उसका जमीनी विवाद चला रहा है, और जमीनी विवाद को लेकर के ही जो मृतक का भतीजा है उसके द्वारा 90,000 रुपये में ये जो घटना है इसको अन्य अपराधियों को सुपारी दे करके ये घटना कारित कराई गई है। तो इस मामले में ऐसी बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक है और उसका जो भतीजा है उसके बीच में जमीनी विवाद चला रहा था। तो जो भतीजा है उसका नाम है रामाशंकर कुमार, और उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके द्वारा 90,000 रुपये में गोलू कुमार को सुपारी दी गई थी, और साथ में उसके साथ दो अन्य अपराधी भी शामिल थे जिसका नाम है रोहित कुमार तथा एक अन्य अपराधी भी था, जिन तीनों के द्वारा गोलू कुमार, रोहित कुमार और एक अन्य अपराधी के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, एक अन्य अपराधी फरार है जिसकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस प्रकार से एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर केस था, परंतु पुलिस के द्वारा बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें जो शामिल हैं अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।